आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है सावा डेयरी में, बाबा का जब भी कीर्तन होता है जहाँ भी होता है उसमें सम्मिलित होते हैं तो बहुत आनंद आता है और बाबा सबकी सुनते हैं फरियाद, जो है बिगड़े काम सबके बनते हैं और ऐसी हमारी आस्था है। मेरी उम्र 47 साल है, हमारे बाबा इष्टदेव हैं और उससे पहले कम से कम 100-200 साल से, 100-200 साल से काफी अनुभव है बाबा ने जो मुझे दिया है। जैसे कि मैं कारगिल युद्ध के दौरान कारगिल चला गया था, हमारी माता जी को पता लगा तो उन्होंने खाटू श्याम के दरबार में गए, उन्होंने बाबा को बोला कि मेरा बेटा सही सुरक्षित आना चाहिए। तो मुझे याद है मैं सोना मार्ग में था, मेरी आगे वाली सेना की गाड़ी जो है वो खराब हो गई थी, मेरा सामान जो है इमीडिएटली हमारा नीचे उतार दिया गया और जब मेरा सामान नीचे उतर गया तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई और उसमें सेना चली गई। फिर मैं वापिस आ गया, मेरे भाई ने मुझे देखा और उन्होंने दिल्ली फोन किया। तब तक मेरे माता पिता जी खाटू श्याम दरबार से घर आए तो बेल बज रही थी, जैसे ही फोन उठाया तो पहली खबर ये थी कि मैं घर आ गया। तो बाबा श्याम के बहुत चमत्कार है हमारे ऊपर, बहुत मेहरबानियां हैं उनकी, बहुत हमें अनुभव है। आज किसके बच्चे का पूरा होगा तो क्या ये पहली बार कराए? पहले भी कराते आ रहे हैं, खाटू श्याम का कीर्तन पहली बार कराया है, बाकी खाटू श्याम से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो ये 2 दिन पहले सोचा था, तीसरे दिन डेट फिक्स हो गई। ये है श्याम बाबा की कृपा, बस सोचा था मन में बस हो जाएगा, बस काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया। मौर्य है वंश, बेटे का नाम वंश मौर्य है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक वंश है और एक उन्नति मौर्य है। उन्नति मौर्य बेटी है। क्या करते हैं मौर्य साहब आप? मेरी शॉप है फुटवेयर की। अच्छा, यहाँ कब से रहते हैं सावा डेयरी में? यहाँ तो हो गए मेरे को 25 साल के लगभग। 25 साल? हाँ जी। तो पहले भी जाते रहे बाबा श्याम के जागरणों में, अभी 2 साल से जुड़े तभी से चालू है? मैं बालाजी जाया करता था खाटू श्याम से, परमानेंट तो 2 साल के लगभग हो गए जुड़े हुए। तो हर महीने जा रहे हैं? नहीं, क्या आपके बच्चे के जन्मदिन में बाबा का गुणगान यहाँ हुआ है? सुनील गुप्ता जी, सोनीपत वाले मनीष गर्ग जैसे सेवक बाबा ने पैदा कर दिए हैं, जो जगह जगह जाकर के बाबा का गुणगान कराते हैं, इनके लिए कुछ कहेंगे क्या? बहुत खुशी की बात है, कीर्तन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छे कलाकार थे, गायककार थे, कीर्तन सब बढ़िया थे, यानी कि जो डेकोरेशन थी, डिसिप्लिन था, बहुत अच्छा। ऐसे मैं चाहूंगा कि सब कीर्तन में आगे भी हो सकता है कि आपको अगले महीने चांस मिल जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आगे चलता है बाबा, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, जहाँ मुझे लेके चलेगा बाबा मैं तो वहाँ वहाँ जाऊँगा, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो। जब कैसे किस वक्त में कैसे पहुँचे हम आप? भाई के थ्रू, हमारे भाई ने। आज हमारे भतीजे वंश मौर्य का जन्मदिन था और साथ में हमने बाबा का गुणगान भी किया। आजकल एक नया हो गया, जैसे लोग पहले पार्टियां करते थे, भाई बच्चे का जन्मदिन है या घर में शादी है पार्टी कर, आजकल बाबा का गुणगान करते हैं। ये एक बहुत बढ़िया यानी कि चलन चला है कि बजाय पार्टियां करने के, शराब पीने के, ये करने से बाबा का गुणगान कर रहे, बैठ के अड़ोसी पड़ोसी सब इस गुणगान का मजा ले रहे, धरती पवित्र हो रही, समाज को एक मैसेज मिल रहा है इससे कि बजाय हम इधर फिजूल खर्ची करने के बाबा की जोत चला के भक्ति में डूब रहे। बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार है हमारे और इनके, भाई देखो कि भाई इन्होंने यानी इस तरह से कीर्तन कराने के चाहते तो पार्टी भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पार्टी ना करते हुए उसकी जगह कीर्तन कराना उचित समझा। जब तक बाबा चाहे महीने में एक कराए चाहे 10 कराए वो बाबा करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, दरबार ये हमारे बाबा का ही दरबार लगा रहे हैं। क्या बात है, रहते कहाँ है? दिल्ली में। पापा जी में और आज मेरा भतीजा रेवाड़ी से आते जी, रेवाड़ी नाम से हमारा जाता है। अच्छा, रेवाड़ी वाला दिल्ली में नहीं रहते, नहीं है रेवाड़ी से आना जाना इनका। राधे रेवाड़ी वालों नाम से शुरुआत की थी, फिर भाई अब मैं आया और अब भतीजा, तीसरी पीढ़ी हमारी लाइन में चल रही है। क्या बात है। और सालत सर भी अभी आपने पिछले साल देखा होगा तो बाबा का हर साल जो जन्मोत्सव मनता है पूरा मंदिर सजता है, वो भी नहीं के थ्रू सब सजाता, इन्होंने ही सजाया। बड़ी कृपा है आपको, ऐसा मौका मिल रहा है भगवान की सेवा का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनीष जी घर से फोन आ रहा है, फटाफट चलिए।